हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब भी आप एक लैपटॉप लेने जाते हो तो पहले उसमें क्या आप देखते हो, स्टोरेज क्या है, कितना है, एसएसडी में है या फिर एचडीडी में है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी एचडीडी क्या है, एसएसडी क्या है, तो पूरी तरीके से मैं आपको समझा दूंगी। तो आगे चलते हैं। तो पहले नंबर पे मतलब पहले पर हम आ जाते हैं एचडीडी, हार्ड ड्राइव डिस्क। ये क्या होता है ना, एक तरह का मतलब ये है ट्रेडिशनल मतलब डिवाइस, ये काफी सालों से हम उसे यूज कर रहे हैं। और मतलब उसमें मूविंग पार्ट है, और मतलब ये क्या है ना कि मतलब हमारी जो डाटा को वो स्टोर करके रखता है। और मतलब ये क्या है ना, नॉर्मली से मतलब इजीली हमको ये बाजार में मिल जाएगा। मतलब बेसिकली क्या, हार्ड डिस्क के मतलब बाजार में नॉर्मली से मिल जाता है। और मतलब उसमें क्या है ना कि हम जो डाटा स्टोर करके रखते हैं, मान लो कभी हमारा लैपटॉप गिर गया, ऐसे नीचे गिर गया, क्या होगा ना, उसमें जो हमारा डाटा होगा वो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। और मतलब जो लैपटॉप तो मतलब ख़राब भी होगा, और जो हार्ड डिस्क वो भी मतलब इससे ही ख़राब हो जाएगा, डाटा भी काफ़ी हमको मतलब नुकसान होने पड़ेगा। काफ़ी नॉर्मली से हम उसे मतलब यूज़ करते हैं, मतलब नॉर्मली से हम उसे मिल जाते हैं। पावर कंज्यूम कुछ ज़्यादा ही बोल लेते हैं, क्योंकि उसमें जो मतलब ड्राइव पॉट है ना, इसीलिए वो पावर कंज्यूम मूविंग पॉट है, वो मतलब पावर कंज्यूम कुछ ज़्यादा ही लेता है। तो नॉर्मली से इजीली वो हमको मिल जाता है बाजार में। और मतलब ये ट्रेडिशनल मतलब डिवाइस है, काफ़ी सालों से हम उसे यूज कर रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हो लैपटॉप्स वगैरह में कुछ कुछ लैपटॉप में एचडीडी है, कुछ कुछ लैपटॉप में एसएसडी है। मतलब एचडीडी क्या होता है ना, वो नॉर्मल से मतलब सिंपल तरीके से, नॉर्मल से इजीली तरीके से हमको वो बाजार में ऐसे मिल जाता है। तो काफ़ी मतलब एचडीडी की तरफ से वो लैपटॉप आ रहे हैं, मतलब आपके प्राइस के हिसाब से। मतलब उसका जो एचडीडी है ना, थोड़ा सा स्पीड कम हो जाता है। मतलब आगे जो वीडियो देखोगे, मतलब आगे जो नंबर पे है, तो क्या ना कि एचडीडी थोड़ा सा स्पीड कम हो जाता है। तो मतलब थोड़ा सा प्राइस के हिसाब से आप देखोगे, तो मतलब उसका जो प्राइस आपको मतलब प्राइस के हिसाब से आपको एचडीडी दे रहे हैं या फिर एसएसडी दे रहे हैं। तो एचडीडी क्या होता है, थोड़ा सा प्राइस में आपको मतलब बजट के हिसाब से आपको मतलब एचडीडी मिल जाएगा, थोड़ा सा स्पीड उसमें कम हो जाएगा। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये क्या होता है ना, मतलब ये उसका जो प्राइस के हिसाब से आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस में आपको ये देखने को मिले, मार्केट में नॉर्मल सी प्राइस में आपको ये देखने को नहीं मिले। वो क्या है ना, ज़्यादा स्पीड में आपको मतलब ज़्यादा स्पीड में आपको देता है। और मतलब क्या है ना कि पावर कंज्यूम खूब कम करता है, पावर कंज्यूम खूब कम करता है। और मतलब उसका लाइफ देखोगे तो कुछ ज़्यादा ही लाइफ है। और मतलब वो क्या होता है ना, मान लो आपका लैपटॉप गिर गया, लैपटॉप गिर गया, इसका मतलब क्या है ना, आप सोचोगे कि आपको डाटा कुछ नुकसान हो जाएगा, इसमें आपको कुछ डाटा नुकसान नहीं होगा, आपका जो डाटा था वो वहीं पे सेव होकर रह जाएगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। और मतलब मतलब आपको मार्केट में मिल रहा है 256 GB, ये भी काफ़ी प्राइस में मतलब काफ़ी ज़्यादा प्राइस में भी आपको मिल रहा है। और मतलब उसमें वो क्यों पावर कंज्यूम कम करता है, क्योंकि उसमें मूविंग पार्ट नहीं है, उसलिए वो कम पावर कंज्यूम करता है। लाइफ मतलब उसका लाइफ भी कुछ ज़्यादा है, बहुत सालों तक भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्राइस में आपको मिल रहा है। मान लो मतलब एक बार आप ले आए, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट, ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, तो कर दिया, तो इसका मतलब नहीं कि हर एक साल में आपको चेंज करते हुए नहीं, ये उसका बहुत ही ज़्यादा लाइफ है, लाइफ मतलब बहुत ही ज़्यादा समय तक वो चलता रहेगा। और मतलब वो कम मतलब ज़्यादा स्पीड में चलेगा और कम पावर कंज्यूम करेगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एचडीडी वर्सेस एसएसडी मैंने आपको समझा दिया। और मतलब मैं भी पहले मुझे पता नहीं था एसएसडी क्या है, एचडीडी क्या है, तो मुझे भी पता नहीं था इस तरह का। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको समझा दिया। तो मतलब आप क्या है ना कि आप कभी जब भी जाओगे लैपटॉप खरीदने के लिए, तो प्लीज़ इस तरह का कंफ्यूज मत होइए। एचडीडी लेना था, एसएसडी लेना चाहते हो तो मतलब प्राइस के हिसाब से देखोगे, एचडीडी लेना चाहते हो तो आपके प्राइस के हिसाब से आप प्रोडक्ट देख सकते हो, मतलब नॉर्मल सी प्राइस के लिए। तो आप मतलब आपका यूज़ क्या है, यूज़ के हिसाब से ज़्यादा स्पीड करना चाहते हो तो एचडीडी मतलब एसएसडी ले सकते हो, नॉर्मल सी प्राइस में जाते हो तो एचडीडी आप ले सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
मतलब बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे डाल देना। मैं मतलब मैं हर रोज इस तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो लेकर आती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मैं हर रोज मतलब ऐसा अपडेट देती रहती हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।